लेकिन डॉक्टर नीति शर्मा, डॉक्टर नीति शर्मा मुझे ये बताइए कि इसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से अलग करते हुए मैं कहता हूँ बच्चों के विकास पर बात करते हैं। डॉक्टर नीति शर्मा मैं कह रहा हूँ कि बच्चों के विकास और बच्चों के अच्छे जीवन की बात करते हैं, कोई नुकसान हो जाएगा श्री कृष्ण भगवान को पढ़ के, भगवान श्री राम को पढ़ के? मैं कहता हूं कि हो सकता है कि कोई अब्दुल इसे पढ़े, हो सकता है कि कोई पीटर इसे पढ़े, पीटर और अब्दुल का नुकसान हो जाएगा क्या ये पढ़ के? मैं आ रहा हूं दानिश भाई, आ रहा हूं। हाँ नीति शर्मा जी, जी अनुराग जी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं कि अगर बच्चों का ही विकास चाहिए, बौद्धिक विकास चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, तो पीटर और अब्दुल का कोई नुकसान हो जाएगा क्या भगवान श्री कृष्ण को और भगवान श्री राम को पढ़ के? अनुराग जी हम लोग अदालतों में गीता की कसम खाते हैं कि आप सच बोलेंगे, गीता की कसम खाएं, तो गीता को जानना अनिवार्य नहीं है। गीता के अंदर क्या क्या संदेश दिया उसको जानना अनिवार्य नहीं है। भगवान राम की जीवनी से किस किस मर्यादा का उन्होंने पालन किया, किस प्रकार से अच्छा पुत्र, अच्छा पिता, अच्छा पति, अच्छा शासक, अच्छा मित्र, और किस प्रकार से उनके जीवन शैली से क्या सीखने का आधार नहीं है? क्या हमको मुगलों से सीखना है जिन्होंने अपने भाइयों के सर काट दिया, अपने मैम खैर मुगलों की तो क्या ही बात करें, हम लोगों ने भी जब पढ़ा है तो छठवीं की कक्षा में हिस्ट्री के नाम पर जिस तरह से मुगलों को महिमा मंडित किया गया, इसको लेकर खुद गृहमंत्री ने भी कहा था पहले कि इस तरह के पाठ्यक्रमों को हटाने की जरूरत है, उनको ग्लोरीफाई करने की जरूरत क्यों है? खैर वो दूसरा मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राम जुड़ जाएंगे तो दिक्कत क्या? मैं आपके पास आता हूँ वरुण जी, फिर उसके बाद पंकज जी के पास जा रहा हूँ, फिर दानिश भाई आपके पास आता हूँ, अरविंद सर आपके पास भी आ रहा हूँ। वरुण सर लेकिन मुझे आप बताइए, आपने बहुत अच्छे से मतलब पूरे मामले में दिग्विजय सिंह ने कहा कि नहीं हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे तो आदर्श है भगवान श्री कृष्ण राम, लेकिन फिर दूसरे धर्मों के भी पाठ्यक्रमों में जुड़ाव होने चाहिए। तो मुझे बताइए कि किस धर्म का पाठ्यक्रम में प्रेजेंस नहीं है? छठवीं से लेकर बारहवीं तक आप देखें तो गुरु नानक को भी पढ़ाया जाता है, गौतम बुद्ध को भी पढ़ाया जाता है, आप देखिए कि मोहम्मद साहब को भी पढ़ाया जाता है, क्रिश्चियनिटी को भी पढ़ाया जाता है, कैसे किस इन धर्मों का उद्गम हुआ इसको भी पढ़ाया जाता है। तो इस बात की गुंजाइश है क्या कि जब भगवान श्री राम की बात करें, कृष्ण की बात करें, तो आप ये बताने आए कि नहीं सब धर्मों का पढ़ाइए, ये तो सब है ऑलरेडी? तो ऑलरेडी है अनुराग सिंह जी, वही तो मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी है। तो अभी नीति जी क्या टिप्पणियां कर रही है, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों? अरे भैया आप सत्ता में था, आपने क्यों नहीं बदलाव कर दिया? ये तो खाली कोसना, दूसरे को नीचा दिखाना, यही मानसिक मनोवृत्ति है इन लोगों। नहीं लेकिन वरुण साहब इस सच्चाई को इनकार कर सकते हैं क्या कि मुगलों का पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा था, जरूरत से ज्यादा था, उनको ग्लोरीफाई किया गया, महिमा मंडित किया गया, मतलब ऐसे लोगों को भी ग्लोरीफाई किया गया जिन्होंने अपने पिताजी को जेल में बंद कर दिया? देखिए मैं ग्लोरिफिकेशन तो नहीं कह सकता किसको किसको किया, हिस्ट्री में मैंने सबको पढ़ा, आचार्य आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य हो, अगर किसी ने पढ़ा हो, अध्ययन किया हो, उनकी बातों को भी थोड़ा सा अनुसरण कर लीजिए। हर बात को कोसना, कांग्रेस ने ऐसे किया, नेहरू परिवार ने ऐसे, जो दो इनकी मानसिकता कर रखी है ना उन्होंने, इसका मतलब इन्होंने श्री राम को श्री कृष्ण को पढ़ा ही नहीं है। अगर उनको पढ़ के आत्मसात कर लेते तो किसी एक परिवार को कोसने या कांग्रेस को कोसना नहीं करते, खुद गया कर्मण्यता दिखाते हैं टीवी पे। इतने साल तो बीजेपी को सत्ता में हो गए, 7 साल अटल जी सत्ता में रहे, फिर कांग्रेस ने ऐसे किया, कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने, तो खुद की अकर्मण्यता को खुद प्रदर्शित करते हैं। मुझे बताइए आप कहां नहीं श्री राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान का, आप खुद कह रहे हो कि ऑलरेडी, पर वो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि स्टेट बोर्ड क्या करेगा, फिर सेंट्रल। अच्छा मैं कह रहा हूँ चलिए ठीक है ना, हो सकता है कि अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए मोहन यादव ने कह दिया, आपकी बात में दम है और आपके आरोपों को मैं इंडोर्स करता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है आपने कह दिया, लेकिन फिर आपने क्या किया, आपने भी तो अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए यही कह दिया ना साहब कि आप पैगंबर मोहम्मद को जोड़ दीजिए, आप जीसस क्राइस्ट को जोड़ दीजिए, आपने फैक्ट्स पर बात कहां की सर? जीसस क्राइस्ट की बात करते हो तो मैंने वही तो पौधा है, सब बैठे हैं कोई बता नहीं रहे, मिशनरी स्कूल के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे, अगर मुंह में दही जम गया, अरे भाई दही तुलसी खा के तो परीक्षा देने जाते थे, शुभ होता है, इसलिए उसको भी देखो आप क्या बोला जाता है। तो मैं कह रहा हूँ वो सर कहावत है वरुण सर, क्या आप भी नहीं, तो ये कहावत है, ये इस तरह होता है क्या दूसरे को कहना आपके मुंह में दही जम गया, आपके मुंह में ये हो गया, नॉनसेंस बात, मैं ऐसे नहीं जाना चाहता। देखिए मैं आपको जो बात कर रहा हूँ, अगर आप वाकई इनके मन में भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम है तो पहली से बारहवीं तक संस्कृत लागू कर दो, सारे शास्त्र ठीक है, आप ऑटोमेटिकली संस्कृत महाविद्यालय है सर, और जो व्यक्ति जो बच्चा पढ़ने का इच्छुक होता है वो पढ़ता है। तो फिर वो आ गए आप उसी बात पे, मैं वही तो कह रहा हूँ, अलग अलग पाठ्यक्रम हो गए, अलग अलग स्कूल हो गए, अलग अलग प्रणाली हो गई। नहीं नहीं वरुण साहब मैं बहुत छोटी सी चीज कह रहा हूँ कि प्रभु श्री राम का त्याग, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, बच्चा पढ़ जाएगा तो कोई नुकसान थोड़ी हो जाएगा, क्यों विरोध करना? पंकज जी जवाब दे रहे हैं, पंकज जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, फिर मैं अरविंद सर के पास आ रहा हूँ। पंकज जी प्लीज। अनुराग जी मूल मुद्दा उस विचारधारा का है, वो जो विचारधारा सनातन के विरोध की है, वो विचारधारा जिसके लिए अकबर महान है, राणा प्रताप महान नहीं, वो विचारधारा जिसके लिए औरंगजेब महान है, छत्रपति शिवाजी महान नहीं, उसका द्वंद्व है। और ये भारत की संस्कार और संस्कृति को कमजोर कर जाते हैं, संस्कार दानिश भाई समाज नष्ट
और उसी से सब कुछ है। ये एक षड्यंत्र है लॉर्ड मेकाले के जमाने से, जिसमें कांग्रेस क्योंकि इनके जींस में, लेकिन पंकज सर आप जब ये सवाल उठाते ना तो एक सवाल आपसे भी पूछने का बिल्कुल हक बनता है। वो सवाल दरअसल ये है कि ये तो ऑलरेडी पाठ्यक्रम में था, हो सकता है आप इसे विस्तार देना चाहते हो, लेकिन लोग ये सवाल जरूर पूछते हैं कि क्या आप लोग भी अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करने के लिए कि साहब देखिए 29 की 29 सीटें जीत गए, लेकिन आप अपने वोट बैंक को बताएं कि देखिए हम धर्म के लिए क्या कर रहे हैं, तो अपने वोट बैंक को क्या और मजबूत करने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं क्या? ये सवाल पूछा जाता है बीजेपी से। अनुराग जी उत्तर देता हूं। बीजेपी का नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सारे धर्मों का आदर। इसका मतलब ये पैगंबर मोहम्मद, गुरु नानक और जीसस क्राइस्ट के बारे में भी आप पाठ्यक्रम में बढ़ाएंगे अगर सबका साथ सबका विकास की बात करें। देखिए अनुराग जी, अनुराग जी प्लीज वसुदेव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सारी धरा हमारा भाई, ये हमारी सनातन सोच है, ये पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। कौन सा धर्म है जहाँ नदी पहाड़ पेड़ पर्वत वृक्षों की पूजा होती हो, कौन से धर्म में होती है? मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहा, ना हमारा काम है। हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि हमारा काम सबके साथ सद्भाव के साथ काम करना, उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है सर, ये लेकिन कुछ लोग उसको राजनीतिक चश्मे से देखते हैं और कुछ लोग धार्मिक चश्मे से देखते हैं। पंकज सर मैं आ रहा हूं आपके पास एक बार फिर से। दानिश भाई लेकिन अगर हमारे जो पूर्वज हैं उनके दिखाए पद चिन्हों पर चलने की बात करें, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो आप जिसको भी मानते हो, और उससे ऊपर हमारे जो भगवान है, अगर उनके दिखाए मार्गों पर चलने की कोशिश करें तो किसी का जीवन तो बर्बाद या खराब नहीं हो सकता। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। दानिश भाई आपके बच्चा मदरसे में भी पढ़ता है, आपका बच्चा साइंटिफिक एजुकेशन भी लेता है, अगर वो ये पढ़े या ये सीख जाए कि कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, दुनिया में सबसे ऊपर कर्म है, तो अगर वो इसका अनुसरण करेगा तो उसका तो कोई नुकसान नहीं है। विरोध का विरोध की बात कहां रह जाती है दानिश भाई? सबसे पहले मैं आपको एक बात का जवाब दे दूं। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं वो एक वर्ग की एक धर्म की बात करते हैं और संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। संविधान जो जिसकी इजाजत देता है उन तमाम चीजों की है। दिक्कत यहाँ ये है कि जब आप कॉन्ट्राडिक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अकबर मान के देखो एक छोटी सी बात पूछ रहे हैं, महाराणा प्रताप मान है कि अकबर मान है, वो ये पूछ रहे हैं। आपके लिए क्या ये बताइए ना, इंटरप्ट मत करिए। आपके लिए कौन शिवाजी मान के औरंगजेब? देश का संविधान सबसे महान है, सुनिए। और इस संविधान में त्रिवेदी की जो है वो विश्वास नहीं रखते। दानिश भाई मुझे लगता है कुछ गलतफहमी है। दानिश भाई एक चीज क्लियर कीजिए, अरविंद जी मैं आ रहा हूँ इसके बाद। दानिश भाई कुछ गलतफहमी है, मैं कह रहा हूँ कि प्रभु श्री राम के दिखाए रास्तों पर चलना, श्री कृष्ण के बताए रास्तों पर चलना, ये पाठ्यक्रम में शामिल हो सकता है। पूरी जीवनी पढ़ाई जाए, हो सकता है कि उसका एक छोटा सा पोर्शन हो, लेकिन उस पर पूरा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन मैं आपको बोलूं कि आपको ये क्यों लगता है कि ये पूरी तरह से रिलीजियस पढ़ाई हो रही है? पार्टी के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं वो जो कह रहे हैं वो एक धर्म की बात कर रहे हैं, हम तो उसकी बात नहीं करते, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। और रह गई बात रिलीजियस सेंटीमेंट की, तो मैंने कहा कि मैं अपने घर में रिलीजियस है वो कर्म में उनको टीचिंग जो भी देना है वो, लेकिन स्कूल में तो जो साइंटिफिक तरीका है शिवाजी महान से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अनुराग जी मेरा उत्तर सवाल पूछिए ना। नहीं मैं आ रहा हूँ, पंकज जी आ रहा हूँ आपके पास। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अरविंद जी 10 सेकंड आपके पास, फिर मैं नीतीश शर्मा के पास जा रहा हूँ। अरविंद जी प्लीज। देखिए दानिश भाई कह रहे हैं कि देश चलेगा संविधान के हिसाब से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दानिश भाई ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसी भारत के संविधान पे राम दरबार का चित्र बना हुआ है, राम का चित्र अंकित है उस संविधान पे। हमारा संविधान भगवान श्री राम का भी सम्मान करता है, तो जो संविधान राम का सम्मान करता है उस राम को क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? और इसको मजहबी चश्मे से मत देखिए, जहां मजहब की पढ़ाई होगी वहां मोहम्मद साहब भी पढ़ाया जाए, जीसस भी पढ़ाया जाए और बाकी लोग भी।